आदम नाजरीन सियासत टी वी के बड़े ही दिलचस्प प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेजबान के जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूँ आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया का एक जाना पहचाना नाम जिसे आप रज़िया खातून के नाम से जानते हैं और इनका बहुत ही मशहूर चैनल है हैदराबाद मिर्ची जो आज हमारे साथ मौजूद है इंस्टाग्राम पर आजकल हम जो देखते हैं लोग या तो गानों पर या फिर शायरी पर वीडियो तैयार करते हैं ऐसा क्यों लोगों के पास शॉर्ट टाइम है लोगों के पास टाइम कम है और टाइम कम में भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं फेमस भी होना चाहते हैं और इंटरटेन होना चाहते हैं तो ये शॉर्ट्स का काम आता है जो इंस्टा पे जो तेज़ी से फैल रखे सब लोग रील्स बनाना चाहते हैं शॉर्ट्स में काम करते हैं अपने आप को इंटरटेन भी करते हैं लोगों को भी इंटरटेन करते हैं और छोटे से इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं कोई सॉन्ग्स पे बना रहा कोई शेर व शायरी पे कोई काम के जरिए या रियल इस्टेट के बारे में बताना है या किसी चीज़ के लिए भी बताना है तो शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट है रील्स है जी जी इसीलिए लोग इंस्टाग्राम पर शायरी या फिर गाने बना रहे हैं। जी हाँ वक्त आ, कम है लोगों के बिल्कुल पास। तो मैं चाहता हूँ कि जब गानों का जिक्र आए कोई एकाध गीत जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो हमारे नाजरीन के लिए जरूर सुना मैं गाना सुना बिल्कुल <laughs> उतनी अच्छी आवाज तो नहीं है दिल तो मेरा तो वही सवाल है ना जो लोग गा नहीं पा रहे हैं वो रील के जरिए अपना फन हा, बताना जी, चाहते जी। हैं तो मैं चाहता हूं कि भाई आप भी कुछ गाएं लोगों को पता चले कि भाई मेरी आवाज कोई खास नहीं है लेकिन रील बड़ी धूम से बनाती हूँ हाँ वो तो है शौक है बनाने का जैसा कि भाई लिप्सिंग कर लेना बहुत आसान है मगर जो एक्सप्रेशन देते हैं वो भी एक कला है जो हम एक्सप्रेशन देते दे रील्स बनाते हुए कोई गाने पे लो एक्सप्रेशन दे दिए ऐसा तो गाना तो मैं नहीं गाती नहीं तो मेरा मजाक बन जाता सच्ची बात मेरी आवाज सही नहीं चलिए शायरी कुछ अगर आपको अशार याद आते हो तो हमारे नाजरीन के लिए कुछ एक दो शेर शेयर तो नहीं एक च, एक नॉलेजेबल चीज़ बोल देती हूँ जो मैं ज़्यादातर रियलिटी में करती हूँ मेरे पे जो बीतता मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि वन परसेंट हमें टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है टू परसेंट हमारा लक काम आता है ट्वेंटी टू परसेंट टीम वर्क सेवेंटी सेवन परसेंट कभी हार नहीं मानना ये एक सीख है कि हमारा लक बहुत कम काम आता है वन दो परसेंट टैलेंट हो गया इंसान के पास ट्वेंटी टू परसेंट ग्रुप वर्क टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी है उसके बाद आता है सेवेंटी सेवन परसेंट कभी हार नहीं मानना काम करते रहिए करते रहिए एक वक्त आएगा आप वो मुकाम तक पहुंच जाएंगे ठोकरों के बाद लोगों के ताने लोगों के बैड कमेंट्स जो एंटी हेटर्स हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप ये आज़मा के तो देखो ये करके तो देखो आप ज़रूर कामयाब होंगे कभी हार नहीं मानना तो मैं कभी हार नहीं मानूंगी मगर आप लोग एंटी फॉलोवर्स जो बुरे कमेंट्स करते हैं वो लोग जरूर हार मान जाएंगे मेरी ये कोशिश है चलिए बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी सीख आपने दी तो इस लिहाज से पिछले दिनों आपने एक वीडियो तैयार किया था वो चार मीनार से पहाड़ी शरीफ तक आपने पैदल इतने किलोमीटर तक का जो आपने सफर किया है उसका वीडियो काफ़ी वायरल भी रहा और लोगों ने काफ़ी पसंद किया और कई कई मिलियंस उसके फॉलोअर्स भी रहे देखने वाले भी रहे जी। आपका जो इतना लंबा सफ़र रहा इसमें कितनी परेशानी हुई कितनी दिक्कतें पेश आई क्योंकि देखिए लोग एक किलोमीटर तक सही तौर पर आज चलना नहीं चाहते लेकिन आपने तकरीबन बारह तेरह किलोमीटर तक का जो सफ़र किया है आ, तो उन मुश्किलात के बारे में बताइए मुश्किल तो बहुत आई है मगर हार नहीं मानना जो 77% परसेंट है मेरे थॉट में मेरा एक ही मकसद था एक छोटा सा मैसेज देना था कि लोग मिलादुलनबी के दिन जो जश्न मनाते हैं और साउंड पोल्यूशन होता है उससे जो ट्रैफिक को डिस्टर्ब होता है एयर पोल्यूशन होता है वो चीज़ को हम साइड में रखते हुए हम एक अमन शांति के साथ भी जश्न मना सकते हैं तो वही एक मैसेज था कि मैं चार मीनार से पहाड़ी शरीफ जो बाय वॉक मैंने सफ़र किया बारह से या फिर तेरह किलोमीटर या चौदह किलोमीटर्स मैंने चला ये चल दिखाना चाहती थी कि हम शांति के साथ अमन और शांति के साथ भी जश्न मना सकते हैं बिना पॉल्यूशन फैलाए या ट्रैफिक को डिस्टर्ब करे बस ये एक छोटा सा मैसेज था और जो मेरे ऊपर मीम बना रहे हैं वो लोगों के लिए ये कहूँगी के जो कामयाब होते हैं उन्हीं के पीछे लगते हैं और उन्हीं के ऊपर मीम बनता है ठीक है अब हम आगे बढ़ रहे हैं रोकने वाले बहुत है जैसा मीम बना के मजाक उड़ा के और आप लोग यही कर सकते हैं लोगों के ऊपर मजाक बना के ही आगे बढ़ सकते हैं रियल कंटेंट नहीं रहेगा उनकी रियलिटी जो है वो नहीं उनकी दिखेंगे उनकी रियलिटी यही दिखेंगी कि लोगों को नीचे दिखाना लोगों की मजाक उड़ाना ये बहुत बुरी बात है ये सब छोड़ दो और अपने खुद के कंटेंट लाओ ये बोलना चाहूंगी <laughs> देखिए रजिया जी कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना हाँ, कुछ ये तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना बेकार की बातें <laughs> छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जा तो लोग कहेंगे अरे लोगों का काम तो कहना ही है जी। अपना काम काम करते रहना है हाँ? हमारा जो मकसद है हम वो पूरा करेंगे लोगों को जो मैसेज पहुँचाना है मैं वो जरूर पहुँचाऊंगी चलिए बिल बहुत अच्छी बात है हिम्मत रजिया मदद खुदा तो मेरी मदद की है अल्लाह ने खुदा ने बोल सकते हैं जो इसमें ये जो मेरा था सफर चार मीनार से पहाड़ी शरीफ का खूब वायरल हुआ वा, फोर मिलियंस जो मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म है अगर टोटल किया जाए तो फोर मिलियंस व्यू आए लोग सपोर्ट कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं देख रहे हैं तो अल्लाह ने मदद की रजिया ने मेहनत की बिल्कुल सोचा नहीं था यहाँ तक भी आ जाएंगे इन सब चीज़ों के बाद बस जितना भी आप सब ने प्यार दिया आप सबका दिल से धन्यवाद अच्छा रजिया जी जो आप जो आउटडोर शूट करती हैं ज्यादातर वैसे फिर से मैंने ये सवाल किया वो इस लिहाज से कि भाई आउटडोर शूट करते वक्त मेकअप का कितना ख्याल रखना पड़ता है और आप आ, क्या स्पेशली कोई किट वगैरह आपने बना रखी है या फिर कुछ टिप्स लेकर आप जो है आउटडोर शूट में अपने मेकअप इस्तेमाल करती है uh... मेकअप मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ सच बात बताऊँ तो और लोगों को लगेगा नए नू झूठ बोल रहे होंगे लड़की है मेकअप तो ज़रूर करेंगी और बाहर निकल रहे तो और ज़रूर करेंगी मगर बिल्कुल नहीं है क्यों मैं तो इंस्टा वाले इतना अच्छा फ्यूचर लाए हैं फिल्टर का तो आपको बिना मेकअप के भी हम अच्छे लग रहे हैं खैर फिर भी आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब दे देती हूँ सीधे सीधे कि देखिए मेकअप में मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ सनस्क्रीन लैकमे को मैं ली थी मगर एक चीज़ है मेरे पास है हीना व्यू के प्रोडक्ट्स जो मेरी सिस्टर बहुत सारे प्रोडक्ट्स सो, सोप बनाते हैं उन्होंने चीज़ा बनाते हैं क्रीम वगैरह फेस पे लगाने के उससे मेरे को बहुत बेनिफिट है उनका जो एक सोप है ऑरेंज का जो टैंग रिमूव करता जल्दी से वो मैं यूज़ करती हूँ ठीक है फेस, फेस वॉश यूज़ नहीं करती वो सोप यूज़ करती हूँ और एक पैक है हमारा स्पेशल पैक जो हम आउटडोर शूट करते जो सभी करते हैं उन, उनको जो टैंग हो जाता है पॉल्यूशन से स्किन जैसे और डस्ट डल हो जाती है उसके लिए मैं प्रोडक्ट बताऊं फिर पैक बताऊं मैं सबको बताऊं बिल्कुल आप बताइए क्योंकि नहीं 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 देखिए आप से मैंने जो सवाल किया था वो ये कि आप आउटडोर शूट करती है तो हैं ज्यादा तो कहाँ आउटडोर उसमें जो है स्किन का प्रॉब्लम आ सकता आता है और फिर क्योंकि एक लेडी होते हुए आप ज्यादातर वक्त धूप में बिता रही हैं तो इस लिहाज से मैंने ये सवाल किया था। जी सही है आपका सवाल लोगों को एक ये सवाल से तो बेनिफिट होना चाहिए कि मैं क्या यूज करती हूँ होम प्रोडक्ट्स जैसा है हमारा पैक फेस पैक इंपॉर्टेंट है जो भी जेंट्स हो या लेडीज हो जो आउटडोर शूट करते हैं और घर स्किन जो डल हो जाती है अफेक्ट हो जाती टैंग आ जाता उनके लिए एक ये बेस्ट है मैं ये चीज बहुत इस्तेमाल करती हूँ कि बेसन जो क्लिनजिंग मिल का काम करता है और फेस को स्मूथ और डस्ट रिमूव करता है बेसन उसमें आप एक चम्मच दही मिला दीजिए एक चम्मच बेसन ले लीजिए थोड़ा सा हनी मॉइस्चराइज़र के लिए और हल्दी ले लीजिए जो फेयरनेस आता एंटीबायोटिक का काम करता और साथ में थोड़ा सा कॉफ़ी एंटी रहता बहुत बेस्ट है कॉफ़ी भी इसको मिक्स करिए और फेस पैक बन जाएगा रेडी आप लगाइए 15 मिनट्स सूखने के बाद आप अच्छे से स्क्रब जैसा यूज़ कर लीजिए फेस क्लीन और चमकदार हो जाएगी आपकी जैसा अभी मेरी हो गई है थोड़ी थोड़ी और होना बाकी है क्योंकि मैं इतना लंबा सफर की और इतनी कड़क धूप में जो चार मिनार से पहाड़ी शरीफ का था और बहुत ज्यादा टैंक बहुत ज्यादा पहली बार हो गया था मैं इतनी काली हो गई थी मैं दो दिन से ये पैक यूज कर रही हूँ आप इफेक्ट देख सकते हैं इसका रिजल्ट देख सकते हैं ये पैक यूज करिए आप लोग अगर किसी को रिजल्ट नहीं आता हो तो उनके लिए और क्या है आपके पास आ, उनके लिए देखिए एक और एक चीज़ है पहले तो ये कंटिन्यू यूज करने के बाद भी नहीं आ रहा रिजल्ट तो हिना व्यू प्रोडक्ट्स है जो मेरी सिस्टर के है, हैं। सोप हिना व्यू के जो सोप बनाते हैं टैंग रिमूवर मॉइस्चराइजर फेयरनेस के लिए तो आप वो यूज़ करिए मैं तो वो कंटिन्यूसली यूज करती हूँ मैं फेस वॉश बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ वो सोप बेस्ट है क्यों मैं तो होम मेड है वो उसमें कुछ नुकसान नहीं है मगर आहिस्ता आहिस्ता जो स्लो में अपन को फायदा होगा हमारे फेस पर अच्छा एक बात है रजिया जी के आप नए नए आइडियाज के साथ काम करती हैं जी तो आपको क्या महसूस होता है क्या ये आइडियाज के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचने में आसानी होती है या फिर वीवर्स क्या चाहते हैं देखिए वीवर्स देखिए हर अलग अलग है एक जैसे नहीं होते हैं सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती है बोलना चाहूँगी मगर मेरे वीवर शायद चाहते हैं कि मैं एडवेंचर करूँ जैसा कि चार महीना से पहाड़ी शरीर का फिर से मैं दोहरा रही हूँ ये चीज़ कि ये चीज़ को ज़्यादा पसंद करें लोग ये एक मेरे लिए एडवेंचर भी हुआ लोगों को मोटिव करना भी हुआ एक एक मैसेज पहुंचाना हुआ कि हम शांति अमन से भी हम हमारे हम जो सेलिब्रेट कर सकते हैं हमारे जो जश्न है मना सकते हैं तो लोग यही चाहते हैं कि मैं किसी को मैसेज पहुंचाऊं और कुछ नई प्लेसेस बताऊं, नई जगह बताऊं। ये चीज ज्यादा चाहते हैं मेरे व्यूवर्स तो, okay. मुझे लगता है चलिए माशाल्लाह हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं टिप्स की बात कर रहे हैं तो इन फ्यूचर क्या आप हैदराबादी फिल्मों में हो या फिर आए दिन वीडियोस बन रहे हैं यूट्यूब चैनल के लिए तो इसमें आप काम करना चाहती हैं या खुद आप अपने चैनल पर फोकस किए हुए हैं उस बारे में बताइए जी मैं अपने ही चैनल पर ज़्यादा फोकस करी हुई हूँ और वही करूँगी और बहुत आगे तक जाना है मुझे मेरा ये नहीं है सेफ साइड होना कि मैं किसी शो में मुझे हैदराबादी शो में मुझे एक्टिंग के लिए एक शॉट मिल गया या एक एपिसोड मिल गया तो ये मेरे लिए क्या हो गया मालूम सेफ साइड हो गया मैं सेफ़ जोन में चल जाऊंगी मैं आगे बढ़ने की ख्वाहिश नहीं रख नहीं रख पाऊंगी ऐसा होता है तो मैं एक बिजनेस वूमेन हूं जैसा बिजनेस माइंड भी है मेरा कि मुझे अपने ही प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ना है मैं उस मुकाम तक पहुंच लोग मेरे साथ काम करने आए ना कि मैं दूसरों के मैं दूसरों के पास जाऊं जा। मेरा ये मोटिव है, नहीं, लेकिन, नहीं होना है मुझे नहीं, लेकिन रजिया जी आप बोल रही है कि कोई भी कंटेंट का एक लिमिट होता है एक दायरा right. होता है right. उसके बाद फिर लोग देखते देखते उगता जाएंगे जी बेजार हो जाएंगे जरूर तब आप क्या करेंगी ऐसी सूरत हाल में तो आपको दूसरे चैनल पर या फिर कहीं और जगह भी आपको जहन में रखकर फोकस करना होगा वो तो है तो इसीलिए तो मैं रियलिटी पे बनाती हूँ ज्यादातर मेरा ओन ओरिजिनल कंटेंट रहता मैं एक स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ मुझे सिर्फ कॉमेडी वीडियोस नहीं बनाने मुझे सिर्फ शेर शायरी नहीं बोलना है या फिर मुझे कुछ एक जैसा कुछ नहीं करना है इसलिए मेरे हर एक वीडियोस में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स रहता है जैसे कि कभी मैं जब ब्लॉग्स बनाती हूँ तो मैं एक बिजनेस का भी बताती हूँ मेरा जो बिज़नेस है कि आज मैंने ये जो भी बिज़नेस किया है उसके बारे में जब मैं बाहर जाती हूँ तो बाहर का अदर दूसरा बिजनेस जो रियल इस्टेट का है वो बताती हूँ लोगों को मैं ये मौका नहीं दूंगी कि लोग मेरे से उग जाए या फिर बस छोड़ के चल जाए मेरे प्लेटफॉर्म को बस मैं उन्हें इंटरटेन भी करते रहूंगी और उन्हें एक मोटिव जैसा मैसेज भी देते रहूंगी खैर मौका नहीं आएगा अगर मौका आएगा तो जब सोचा जाएगा नहीं लेकिन रेगुलर हाँ। दे रही है तो देखिए कोई भी ऐसा यूट्यूबर हो या फिर इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाला हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया का पर्सन ना टिका है ना टिका रहेगा सही बात है आपकी तो उसके अगर ऐसा मौका आ जाए तो मैं क्या करना चाहूँगी जब मुझे कुछ अच्छा मौका मिलेगा मुझे लगेगा कि हाँ वो वो प्लेटफॉर्म रियल है अच्छा है मेरे को सूटेबल है तो मैं ज़रूर करूँगी अभी तो मैं नहीं बता सकती कि परफेक्टली क्या करूँगी या फिल्मों में काम करूँगी या फिर किसी के साथ एपिसोड्स करूँगी ये मेरा मोटिव है नहीं अगर मौका मिलेगा तो जब सोचा जाएगा कम्प्लीट में जवाब नहीं दे सकती यार मुझे एक बीमारी हो गई है मेरे घर वाले मेरी मुंह पे मेरी बेजती कर रहे हैं और मुझे ना महसूस नहीं हो रहा भाई। क्यों <laughs> छोड़ो। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि जितना तुम्हे हर बात पे हंसी आती है काश उसका एक परसेंट शरम आ जाता तुम्हारी जिंदगी बन जाती है ऐसा है क्या चलिए हाँ, एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि

उसमें एक वाक हुआ था वो Last मैंने वो, 15 हाँ लास्ट फिफ्टीन अगस्त में जो वाक हुआ था ये थोड़ा सा सबके साथ होता होगा और बहुत अफसोस भी होता होगा ये चीज कि माइक लगा हुआ है माइक बंद है बट हमारा को पता नहीं ठीक है और हम पूरा शूट कर रहे हैं। अच्छा। पूरा शूट कर रहे हैं हम पूरा पूरा शूट कर, कर लिए सब हो गया फिर लास्ट में ज, जैसा कि हम देख रहे हैं वॉइस बिल्कुल ही वॉइस नहीं है इतना अच्छा। शॉकड हुआ कि पूरी मेहनत बोल सकते हैं ना आउटडोर में पहले तो बहुत मेहनत लगती है और वो ऐसा मौका था मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मतलब तो मेरी जर्नी वन ईयर की फिफ्टीन अगस्त से फिफ्टीन अगस्त वो मेरा बहुत खुशी का दिन था और वो दिन ऐसा हुआ कि मैक बंद हो गया फिर भी मैं हार नहीं मानी हूँ कि चलो थोड़ा सा ब्रेक लिए थोड़ा सा रिलैक्स करें एक दूसरे को गुस्सा कर लिए भाई मैक चेक कर लेना था ऐसा क्यों हुआ ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा नहीं क्या किसी ना किसी के साथ तो होता होगा खैर इसका ध्यान रखें क्योंकि तो बहुत मेहनत से शूट होता है ये वाक़ तो मुझे हमेशा याद रहेगा सही बात अच्छा आप एक अच्छे डिजाइनर है उस लिहाज से एक अच्छे इंसान मर्द या औरत शख्सियत साजी किस हद तक जरूरी होती है जी आ, हर प्रोफेशनल में पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है चाहे आप डिजाइनर हो चाहे आप डॉक्टर हो या एक्टर्स हो एक्टर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रखती है पर्सनैलिटी हर एक चीज़ में पर्सनैलिटी ज़रूरी रखती है कॉन्फिडेंट के लिए भी जब हम आड़े तेड़े या मोटे रहेंगे कॉन्फिडेंट भी नहीं आता मेरे हिसाब से हम अपने आप को फिट रखेंगे सेहतमंद रखेंगे पर्सनैलिटी अच्छी रहेंगे हम कॉन्फिडेंटली बात भी कर सकते कॉन्फिडेंट भी रह सकते और लोग तारीफ भी करेंगे लाजमी बात है तो हर प्रोफेशनल में पर्सनालिटी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है हम चलते चलते आखिर में आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे जो नौजवान लड़के लड़कियां सोशल मीडिया से जुड़ना चाहती हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी या फिर वो एक डिज़ाइनर बनना चाहती हैं बिजनेस पर्सन के रूप में अगर आना चाहती हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा उनके लिए ये पैगाम रहेगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम बिज़नेस भी कर सकते हैं बहुत तेज़ी से हम अगर, अगर अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाना है सोशल मीडिया के ज़रिए ही इम्प्रूवमेंट आता अगर आप मेरी शु, शुरू की वीडियो देखेंगे तो मैंने शायद ज़्यादा कुछ नहीं बोला या अटक अटक के बोला होगा या फिर बहुत कम बोला होगा या क्लियर वर्ड्स नहीं होंगे सोशल मीडिया में जब हम काम करते रहते हैं तभी हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है हमारा जो प्रोनाउंसेशन जो बात करने का लहजा है तरीक़ा है वो भी इम्प्रूवमेंट आता है और कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है हम हमको रियल लाइफ में भी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और वही मौका देता है हमको सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए बेनिफिट है मैं ये कहना चाहूँगी बेनिफिट भी है बहुत अच्छा रास्ता है और लोग सही तरीके से उसे यूज़ करें और अपने बिजनेस को अगर किसी को बढ़ाना है बहुत तेज़ी से बढ़ाना है इंस्टेंट काम करेगा ट इंस्टा इंस्टा हो गया फेसबुक हो गया यूट्यूब हो गया ये सब प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त है बोल सकती हूँ मैं सोशल मीडिया जो लोगों को आगे बढ़ाने का भी काम करता है लोगों को सिखाने का भी काम करता है हम उससे सीख भी सकते हैं हम लोगों को सिखा भी सकते हैं ये बहुत बेस्ट है और लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है इसे इसे सही तरीके से यूज करें तो बहरहाल आप आए इतना वक्त दिया बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और हमसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानी जी हमें मौका मिला सियासत टीवी स्टूडियो में आने का जो इनवाइट करे बहुत तह दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और पूरी टीम का शुक्रिया और जानी जी स्पेशली आपके लिए बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया मुझे बहुत सपोर्ट करे और आपसे भी बहुत सारे चीज़ें मुझे सीखने को मिली कि हम कैसा इंटरव्यू लेते हैं और कितनी मेहनत करते हैं और कितने टेक्स होते हैं बहुत-बहुत <laughs> शुक्रिया सबका अल्लाह हाफिज़ थैंक यू तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही बहुत सारे सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आप अपने दोस्त और होस्ट

ਲੜੀ ਦਾ 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 जे गाडी जे गाडी जे गाडी जागा गाडी जाते लाडी जाते गाडी जाता गाडी